प्रधानमंत्री मोदी से सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात होगी और विकास और जनहित से जुड़ी योजनाओं पर सीएम विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करेंगे और इसके अलावा कई अहम विषयों पर भी चर्चा होगी। और न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से बल्कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात सीएम विष्णुदेव साय करेंगे और इसके अलावा वित्त मंत्री से भी सीएम साय की मुलाकात होगी। बता दें कि शुक्रवार शाम को ही दिल्ली साय रवाना हुए हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन, और दौरे का दूसरा दिन बेहद अहम क्योंकि छत्तीसगढ़ के विकास के खाके पर आज चर्चा होगी सीएम विष्णुदेव साय की तमाम दिग्गज और आलाकमान के नेताओं के साथ। और इधर रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां भोपाल में हुकुमचंद मील के कार्यक्रम के संबंध में बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में बैठक ले रहे हैं तो सीएम मोहन यादव का ताबड़तोड़ एक्शन एक तरफ जहां देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ तमाम आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर भी अधिकारियों के साथ मंथन का दौर चल रहा है। यही वजह की अब सीएम मोहन यादव मंत्रालय में इस वक्त हुकुमचंद मील के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि 25 दिसंबर को बहुत भव्य कार्यक्रम होना है, इंदौर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसकी तैयारियां अब जोर शोर से चल रही क्योंकि महज 2 से 3 दिन अब इसको लेकर बाकी रह गया। चलिए रुक करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर का जो हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए। मनोज जी, बड़ा कार्यक्रम इंदौर में होने वाला है लेकिन खबर इसके बीच ये भी मिल रही कि रोड शो नहीं होगा मोहन यादव का, क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा सर रहेगी, एक बार विस्तार से समझा दीजिए। देखिए, हुकुमचंद मिल का जो मुआवजा का मसला था काफी लंबा पुराना मसला था, जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने तो ये मसला सुलझ गया। वो राशि उनको मिलने वाली है, बड़ी राशि है, जाहिर है कि खुशी की लहर है इंदौर में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा रोड शो भी होने वाला था, रोड शो कैंसिल हो गया। वजह ये बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअल जोड़ने वाले हैं इसमें 25 तारीख को। अभी हाल में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी बात की समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह कार्यक्रम होगा, कितनी तैयारियां हैं और इसी बात को लेकर आगे बढ़ने की बात कही जा रही। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि रोड शो आखिर क्यों कैंसिल हुआ, तो इसके अलग अलग तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक समीकरण इसके खोजे जा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि रोड शो कैंसिल करना पड़ा। उसकी भी बड़ी तैयारियां थी, कैलाश विजयवर्गीय वहां से आते हैं, विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उन्हीं के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई खासकर मिलके हुकुमचंद मिलके जो लोग रहे उनके लिए वो लड़ते रहे, पर जैसे ही सरकार बदली है तो वो राशि उनको मिलने जा रही, तो ये बात सही है। और लेकिन अब प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से इसमें जुड़ेंगे, संबोधित करेंगे, उसी बात की समीक्षा बैठक चल रही है। इसके अलावा हम देखें तो मुख्यमंत्री बिल्कुल एक्शन मोड पर है, ACS स्तर के अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया कि बार बात करें। मनोज जी आप हमारे साथ बने रहेगा, मनोज जी आपसे चर्चा इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है जो आप बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें विस्तार से कि सुपर एक्शन मोड में है सीएम मोहन यादव। बता दें कि बड़े अफसरों को सभी संभाग